आज की हेडलाइन और खास खबरों पर एक नजर। बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंदा, 10वीं कक्षा का था छात्र। 4.2 करोड़ की नगद राशि की जब्त, कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। आपली बस की हड़ताल खत्म, आज से सेवा फिर से शुरू होगी। कार में घूमकर करते थे रेकी और फिर चोरी, सराफा व्यापारी सहित 3 को पकड़ा। कुकरेजा के मारपीट करने का वीडियो आया सामने, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। सीताबर्डी रामदास पेट धंतोली में 7 मार्च को जलपूर्ति नहीं, मनपा चुनाव के लिए शुरू हुए साक्षात्कार। कमिश्नर मुकुल पाटिल के कार्यालय और घर से मिले 13,25,000, सच्चाई छिपाने बनाया फर्जी रजिस्टर। जनप्रतिनिधि को जनता ने दिया नेतृत्व करने का अवसर, यही है सर्वोच्च सम्मान। अब हेडलाइन समाचार विस्तार से। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता ने नेतृत्व करने का अवसर दिया, वही सर्वोच्च सम्मान है। जनता ने नगर सेवकों को चुनकर 5 साल के लिए महानगर पालिका में भेजा। नगर सेवकों के 5 साल के कार्यालय के अंतिम दिन मनपा में आयोजित सर्वदलीय नगर सेवकों के सत्कार समारोह में गडकरी ने ये विचार व्यक्त किए। केंद्र जांच ब्यूरो ने केंद्र वस्तु व सेवा कर CGST के जॉइंट कमिश्नर मुकुल पाटिल के ऑफिस से 13,25,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान घर से सोने के 20 सिक्के व प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। CBI कोर्ट ने घूसखोरी के आरोपी मुकुल पाटिल व चार्ज अकाउंटेंट हेमंत रांगदेकर को 7 मार्च तक CBI की रिमांड पर भेज दिया। कामठी नागपुर रोड पर मोहम्मद अली पेट्रोल पंप के सामने भील गांव परिसर में विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे 3 विद्यार्थियों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में निशान महादेव नामक छात्र की मौत हो गई तथा अन्य 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर में चल रहे हवाला कारोबार का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त गजानन शिवलिंग राजमाने व उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई कर 3 आरोपियों समेत 4.2 करोड़ की नकद राशि जब्त की है। शुक्रवार की रात ये कार्रवाई महल क्षेत्र के कुम्हारपुरा परिसर में की गई। आरोपियों में हवाला कारोबारी नेहाल सुरेश वडालिया, कुम्हारपुरा महल वर्धमान विलास भाई पच्चीकार और शिव कुमार हरीश चंद्र दीवानीवाल दोनों गोंदिया निवासी है।